हाय एवरीवन, मैं आलोक कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पीके लोटोमोटिव में आपका स्वागत करता हूँ। बेडरूम आज नहीं फिलहाल एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि ये वीगार V10 मॉडल है उसका। उसका क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या है, क्या E3 एरर आ रहा है? अगर मैं मशीन ऑन करता हूँ तो कुछ टाइम चलता है, उसके बाद E3 आ जाता है। E3 क्यों आता है, उसका रीजन क्या है, आज उसको रेक्टिफाई करेंगे। किस वजह से E3 एरर आ रहा है? देखिए, मैं फ़िलहाल तो सप्लाई देख के हीट कर रहा हूँ। अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन तुरंत ही E3 आ जाएगा। कुछ टाइम निकलने के बाद E3 आ जाता है। देखिए, आ गया E3। इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज आपको दिखाऊंगा। देखिए, फिलहाल उसका मॉडल है V10। ये मॉडल है, फिलहाल हम उसको मैं ओपन कर लिया पीसीबी को। देखिए, पीसीबी का जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है VIC10 है मॉडल उसका, माइक्रो कंट्रोलर है। हमको क्या क्या कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, ये वाला उसका पैनल है। देखिए, देखिए, ये वाला उसका डायग्राम है। ये वाला जो अभी तो डायग्राम फिलहाल है, डायग्राम के हिसाब से डायग्राम देखेंगे, जो पीक IC पीक 13 है 1.5 वोल्ट लो वोल्टेज के लिए, और IC पिन नंबर 9 पे 3.5 वोल्ट आना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये सब रेजिस्टेंस थ्रू के हमको 1.5 वोल्ट और 3.5 वोल्ट IC पे आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हमारा एरर कोड शो करेगा। इसलिए मैं आपको डायग्राम दिखा दिया हूँ, आप डायग्राम के हिसाब से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद आपको दिखाऊंगा PCB। देखिए, PCB वाला मैं रिप्लेस कर लिया है। 820K का दो रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है IC के पिन पे जाता है, या 820K और 820K का दोनों रेजिस्टेंस मैंने चेंज कर लिया। अभी फिलहाल कवर करके देखेंगे। हमारा ये वाला उसका ओल्ड PC है जो 820K का रेजिस्टेंस है 1 वाट का। मैं दोनों को रिप्लेस कर लिया है, उसके जगह में नया वाला डाल दिया हूँ मैंने 1 वाट का। अभी फिलहाल देखेंगे, उसको मैंने कवर कर लिया हुआ है। अभी कवर करके देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ टाइम चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए, मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। अभी सीरीज में ऑन किया तो स्विचिंग हो गया, और बर्तन को भी चेंज कर रहा है। अभी डाइट दे रहा हूँ। देखिए, अभी डाइट देने के बाद हमारा टेम्परेचर भी आ गया, डिस्प्ले भी आ गया। अभी 1200 1000 रुपये रखा है, 1000 रुपये रखा हूँ। देखिए, अभी तो फ्लाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, इतनी भी नहीं आ रहा है। अगर हमारा सिस्टम ओके हो गया है, इसमें सिर्फ